हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 कंट्रीज फॉर MBA। अगर आपको MBA करना है तो आप इन कंट्रीज को प्रायोरिटी दे सकते हो जो आज हम आपको हमारी वीडियो में बताने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं आप सिर्फ कॉमर्स के बाद ही MBA कर सकते हो, अगर आपने साइंस लिया है तो आप उसके बाद भी MBA कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके यूनिवर्सिटी सबसे टॉप नंबर पर आती है अगर आपको MBA करना हो तो। उससे पहले लेकिन क्या मैंडेटरी होता है, कौन सी एग्ज़ाम्स देना मैंडेटरी होता है? स्पेशली हमने ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। अगर इंडिया के स्टूडेंट्स को USA जाना है तो उन्हें GMAT देना कंपलसरी है। GMAT के मार्क्स पे ही आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो भी आपको देना ही पड़ेगा। TOEFL, IELTS दोनों में से एक आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम टॉप बिजनेस स्कूल्स बताएंगे, USA में कौन से टॉप बिजनेस स्कूल्स या यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी है ऐसी टॉप बिजनेस स्कूल्स वहाँ पर, लेकिन हमने टॉप 3 बताई हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टडिंग MBA, कितनी कॉस्ट लगेगी वहाँ पे आपको MBA करने के लिए। अराउंड 60 lakhs to 1 crore, मतलब 60 lakh to 1 crore लगनी ही है और उससे ज़्यादा भी लग सकती है। उसके बाद स्टे बैक पीरियड 2 months, मतलब अगर आपका MBA कंप्लीट हो जाता है उसके 2 months में आपको जॉब लगनी ही चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं लग रही है तो आपको अपने कंट्री फिर से आना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर भी मैंडेटरी है GMAT क्रैक करना, और वहाँ पर भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट TOEFL या IELTS, इन दोनों में से एक आपको देना ही पड़ेगा जो कंपलसरी है। उसके बाद लिस्ट ऑफ टॉप बिजनेस स्कूल्स, UK में कौन से टॉप बिजनेस स्कूल्स है, लंडन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये 3 टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स या टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप MBA कर सकते हो। वहाँ पर कितना कॉस्ट लगेगा MBA के लिए, 40 lakhs to 65 lakhs, इतना पैसा लगेगा और उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। स्टे बैक पीरियड 2 साल है वहाँ पे, अगर आपकी MBA कंप्लीट होती है उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं लगती है 2 साल के अंदर अंदर तो भी आप 2 साल वहाँ पे रह सकते हो, लेकिन 2 साल के बाद आपको अपनी कंट्री फिर से आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कैनेडा। कैनेडा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स कैनेडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और कैनेडा में ऑलमोस्ट बहुत सारी इंडियन पब्लिक भी रहती है। अगर आपको थोड़ा सा इंडियन एनवायरनमेंट चाहिए कि नहीं आपको एकदम अकेले नहीं रहना है, जैसे USA या फिर दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडियंस कम है तो आपको नहीं जाना वैसे जगह, तो कैनेडा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो आपको थोड़ा इंडियन एनवायरनमेंट भी मिलेगा। वहाँ पर भी आपको GMAT क्रैक करना पड़ेगा और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वही दो TOEFL एंड IELTS, इन दोनों में से एक आपको देनी ही पड़ेगी कंपलसरी। टॉप बिजनेस स्कूल्स कैनेडा में है York University, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये 3 टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स हैं। और वहाँ पर MBA पढ़ने के लिए 27 lakhs to 60 lakhs लगेंगे, मतलब वहाँ पे USA से कंपेयर करो तो वहाँ पे यहाँ पे कम पैसा लग रहा है, 27 to 60 lakhs लगेंगे। और स्टे बैक पीरियड भी 3 साल है, 3 साल के अंदर अंदर, मतलब आपके पास 3 साल का वक्त है जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन उसके बाद तब तक आपको नहीं मिलती तो उसके बाद आपको घर अपने आना ही पड़ेगा या अपनी कंट्री आपको जाना ही पड़ेगा। लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको GMAT भी देना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको GMAT देना पड़ेगा, और लेकिन वहाँ पर कट ऑफ भी है, 550 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी TOEFL में अबाउ 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, और IELTS में 6 overall, मतलब 6 overall सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। वहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉप बिजनेस स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग, ये 3 टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स है ऑस्ट्रेलिया में।
और वहां पर आपको पैसे लग रहे 16 लैक्स टू 50 लैक्स, 16 लाख से 50 लाख और उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और वहाँ पे आप सिर्फ 15 to 24 months मतलब 2 साल के अंदर अंदर, आपको उतना टाइम पीरियड दिया हुआ है जॉब ढूंढने के लिए, वरना आपको फिर से अपने कंट्री आना पड़ेगा 2 साल के बाद, लेकिन आपके पास स्टे बैक पीरियड 2 साल का है। सिंगापुर ये लास्ट कंट्री है, हमने यहाँ पे top 5 countries बताया है MBA के लिए, जिसमें से सिंगापुर सबसे लास्ट कंट्री है। यहाँ पे मैंडेटरी है GMAT क्रैक करना, जैसे कि आपने देखा सारी कंट्रीज में GMAT कंपलसरी है, आपको क्रैक करना ही है। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वहाँ पर भी TOEFL एंड IELTS इन दोनों में से एक आपको कंपलसरी देनी ही पड़ेगी। लिस्ट ऑफ टॉप बिजनेस स्कूल्स इन सिंगापुर, यहाँ पे INSEAD सिंगापुर, नैनयांग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये top 3 बिजनेस स्कूल्स है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है सिंगापुर में। यहाँ पे आपको 15 लाख टू 20 लाख सिर्फ 15 लाख से 20 लाख की ज़रूरत है MBA करने के लिए। और स्टे बैक पीरियड यहाँ पे सिर्फ 1 to 3 months, सिर्फ मतलब 30 डेज टू 90 डेज इतना ही आपके पास टाइम पीरियड है जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपको जॉब नहीं मिलती वो टाइम पीरियड पे, तो आपको फिर से अपने कंट्री आना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा है सारी कंट्रीज़ में GMAT कंपलसरी है देना, और TOEFL एंड IELTS ये दोनों में से एक आपको कंपलसरी एज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। तो अगर आप अभी बैचलर्स कर रहे हो और आपको जाना है अब्रॉड जाना है, और आपके पेरेंट्स ने भी हाँ बोल दिया है कि हाँ तुम जा सकते हो अब्रॉड, तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी चांस मिल जाए और आप जल्दी अब्रॉड जाके अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।